माता जय जय संतोषी माता। ए मुंबई, यहाँ आओ। ए मुंबई, मेरे पांव खराब हुए लगभग 10-12 साल हो गए। इस बारे में सोचकर तुम क्यों दुखी होती हो? सच मुझे तो जरा भी दुख नहीं है। क्यों जानती हो, भगवान ने कई रूप में जन्म लिया है, लेकिन आज तक उसने एक वकील की पत्नी के रूप में जन्म नहीं लिया। भाग्यवान, जब तुम साथ हो तो पांव ही क्या, हाथ भी खराब हो। मेरे सामने ऐसी अशुभ बातें मत करो, भगवान मारेगा। अच्छा अच्छा, मेरी भाग्यवान यहाँ की नहीं मुंबई की है ना, मुंबई की ब्राह्मणी। नहीं ए जी, मैं बंबई में पैदा हुई है सच है, लेकिन यू नो माई नेम इज पार्वती। दैट आई नो माई स्वीट वाइफ। अच्छा, हमारी बेटी जानकी कहाँ है? वो बंबई जाएगी क्या? भरतनाट्यम क्लास गई है। तब ठीक है। ओहो, छोड़ो भी। भरतनाट्यम सीखने जा रही हो, ऐसा अपने बाप से झूठ बोलकर स्विमिंग करने आती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? स्विमिंग सीखने की मेरी बड़ी इच्छा है, ऐसा पापा से कहा था पर वो माने ही नहीं, तो मुझे उनसे झूठ बोलना ही पड़ा। बच्चों के झूठ बोलने का कारण एक ही है, माँ बाप का हद से ज्यादा सख्त होना। ओहो, कहाँ पर बैठना पसंद करेगा प्यारे? वहाँ, उस टेबल पर। भरतनाट्यम क्लास बराबर जाती हो ना? भरतनाट्यम क्लास, हाँ हाँ जाती हूँ ना। हाँ यार, बच्चड़ी भी सुपर है, गाय भी सुपर है। इसका इरादा ठीक नहीं लगता, जल्दी खाकर चलते हैं। इसने मेरे पाँव पे पाँव रखा। लो पर, तेरी हिम्मत कैसे मेरे पीछे करती है? तुम बदमाशी करोगे और हम चुपचाप से सहन कर लेंगे। हाथ मत पकड़ना, ये पहले कहना चाहिए था ना, तकल्लुफ मत करो, ऐसा बुजुर्ग ही कहते हैं। अब भी तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को किस करता हूँ, क्या कर लेगी तू? हाँ छोड़ो मुझे, बदमाश है। कोई भी तुम्हारी मदद करने आने वाला नहीं है, ये मेरा इलाका है, समझी क्या? सुन, या मेरी मर्जी चलती है। ए, मारो। Yeah.
बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एडिसन है, रोड रोलर चलाने का काम करता हूँ, अम्बेडकर नगर में जिम खोला है। एडिसन मतलब क्या आप क्रिश्चियन हैं? पता नहीं मिस, मैं एक अनाथ हूँ, माँ बाप नहीं है, मैंने अपना नाम खुद रखा है। किसी भी भगवान का नाम रखकर एक धर्म से जोड़ने से अच्छा है दुनिया के काम आने वाली बिजली की खोज करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन उनका नाम रखना मैं सम्मान समझता हूँ। चलता हूँ। नमस्ते। ओहो, आज भी कोई लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आता मेरी। मेरा होने वाला दामाद बुद्धिमान है या नहीं इसकी मुझे परवाह नहीं है, पैसे वाला है या नहीं इसकी भी मुझे परवाह नहीं है, ब्राह्मण है या नहीं इसकी मुझे परवाह है। आप ब्राह्मण से ज्यादा मेरे पड़ोसी हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक कहा। बट यू नो वन थिंग, मैं शाकाहारी ब्राह्मण हूँ। तो आपको क्या लगा हम लोग मांसाहारी ब्राह्मण है क्या? हम लोग पूरे शाकाहारी ब्राह्मण है। पापा लड़की, लड़की को ठीक तरह से देख लो, घर जाके शिकायत मत करना। अरे लड़की के हाथों में क्या है? काजू का केक। पापा मैं जाकर पढ़ाई करती हूँ। केक अच्छा है ना? मैंने कहा था ना, केक मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि केक में अंडा मिलाया जाता है? केक में अंडा मिलाया होता है ये कैसे मालूम होगा? मालूम होना चाहिए, वही सच्चा शाकाहारी ब्राह्मण है। तुम आधा शाकाहारी ब्राह्मण हो, सो यू गेट अप एंड गेट आउट। एक ही सांस में तीन बार ब्राह्मण ब्राह्मण बोल रहे हो। ए मीनाक्षी, जिस व्हील चेयर पे बैठे हो ना उसे बनाने वाला ब्राह्मण है क्या? तुम्हारी पत्नी ने सिल्क साड़ी पहनी हुई है उसे बनाने वाला ब्राह्मण है? उससे भी ज्यादा तुम्हारी पत्नी और मेरी पत्नी ने जो गले में मंगलसूत्र पहन रखा है उसे बनाने वाला ब्राह्मण है क्या? ये बताओ, मंगलसूत्र बनाने वाला ब्राह्मण नहीं है। चलो और सुनो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों के कारण ही मुझ जैसे ब्राह्मणों को बदनामी मिलती है। ए जी, दूसरों को तकलीफ दिए बगैर अपने मर्जी से जीना बेहतर होता है, यही अच्छा होता है। इसे बुलाकर आज के जमाने में सदाचार संस्कार कहाँ है? चुप रहो, केवल मैं ही ये सब देखता हूँ क्या? कोई भी भाजपा उपाध्याय त्रिपाठी चौबे दुबे अपने से नीची जाति वालों की लड़की लेता है क्या? ऐसे लोगों के घर में खाना खाता है क्या? उन लोगों के साथ रहता है क्या? इतना ही नहीं, एटलीस्ट ऐसे घर के लोगों का पानी भी पीता है क्या? अजी, सब लोग ऐसा कहाँ करते हैं? नॉट दैट पॉइंट, कुछ लोग मतलब बहुत से ऐसे लोग नहीं करते हैं, उन लोगों में से मैं भी एक शाकाहारी हूँ। मेरे लिए शाकाहारी मुख्य है, अपने लिए मैं ही मुख्य हूँ। मैं जो देखो तब मैं कहते रहते हो। मैं बोलते रहोगे तो कोई नहीं मिलेगा, और मैं कहने से होंठ से होंठ भी नहीं मिलते, हम कहने से मिलते हैं होंठ से होंठ। अच्छा बोला, वेरी गुड। अच्छा तुम इस तरह की साड़ी क्यों पहनती हो? तुम भी दूसरों की तरह साड़ी क्यों नहीं पहनती हो? ये तो मेरी आदत पड़ गई है ना। तो मुझे भी सदाचार और संस्कार की आदत पड़ गई है। एक बात जान लो, दुनिया में दूसरों को सलाह देना बहुत ही आसान काम है, लेकिन उस पर अमल करना हर एक के लिए कष्टदायक होता है। ये भगवान साहब, मेरे पूछने पे बुरा तो नहीं मानेंगे? मुझे एक संदेह है। पूछो बुद्धिमान, कोर्ट में तो कुछ नहीं पूछते, एटलीस्ट घर में तो पूछो। कभी गलती से बाई चांस, यकीन नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, अगर हो गया तो, लेकिन मैं क्या करूं? क्या बोल रहे हो? जान की किसी से प्यार करके भाग कर शादी कर ले तो खून होंगे और एक आत्महत्या। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को और उसके बाद उसके प्रेमी को मारकर मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। मैडम जरा रुकिए, मैं ही आपको देखने आया था। जानती हूँ केक में अंडा मिला है ये मैं नहीं जानता था, इसलिए अनजाने में खा लिया मैंने। आप जानते हुए भी खाते तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ब्राह्मण हैं या नहीं ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं। यस करेक्ट, पढ़ाई को ही आप सब कुछ समझती है ना। MBBS फर्स्ट क्लास से पास किया हूँ, सभी मंत्र आते हैं मुझे, टाइपिंग शॉर्टहैंड में भी पास हूँ। ओके ओके, आपके शरीर पे कोई चोट का निशान है क्या? आपको फाइट आती है क्या? कराटे जानते हैं या लाठी चलाना आता है? क्या कह रही हैं आप? आपको पति चाहिए या बॉडीगार्ड चाहिए आपको? आप लड़कियों से पूछते हैं डांस आता है या नहीं, तो क्या मैं आपको नहीं पूछ सकती फाइट आती है या नहीं? आप पूछ सकते हैं खाना बनाना आता है या नहीं, तो क्या मैं नहीं पूछ सकती कि फाइट आती है या नहीं? इस दुनिया में मर्दों के लिए अलग कानून है, औरतों के लिए अलग कानून है। दुनिया बहुत खराब हो गई है। घर से बाहर निकलने के बाद अगर कोई बदमाश मुझे छेड़े
तो जो आदमी मेरी रक्षा कर सकता है वही तो सच्चा मर्द है, और रक्षा करने के लिए उसे फाइट वगैरह आना बहुत जरूरी है उसकी तरह। सर क्या है? आपसे मिलने आईजी आए हैं। क्या बे आईजी वाईजी, सुबह सुबह मंत्री से मिलने आना चाहिए, बोलो इंतजार करें। सर आपसे मिलने कलेक्टर भी आए हैं। अबे आईजी को इंतजार करने को बोला तो कलेक्टर क्या है, बाहर बैठने को बोला उसे। सर आपसे मिलने फूल भी आया है। फोन रखता हूँ जी। आजा फूल, ये क्या नाम है फूल? वो मेरा नाम चमन कुमार चमन। बचपन में मेरी बाईं आंख में फूल आ गया था, तब लोग मुझे फूल आंख वाला कहकर बुलाने लगे, फिर वही नाम छोटा होकर फूल बन गया। ऐसा के स्वामी कहाँ है, अंदर है क्या? या के स्वामी, अबे मेरे मालिक को, मेरे सर को, मेरी जान को, मेरे देवता को सीएम कुप्पुस्वामी कहकर आज तक नहीं बुलाया। जानते हो सम्मान के साथ मिस्टर स्वामी ही कहता था। आफ्टर ऑल तुम एक चमचे हो, ये जानते हुए भी तुम उन्हें ऐसे कहते हो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दिए, मेरे भगवान मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा तुम मार दिया, अरे मार डाला। फूल क्या रे फूल, ये शोर कैसा हो रहा था, ये खून कैसा है? वो सर मैं जब अंदर आ रहा था तब आपका एक पॉलिटिशियन नेता के स्वामी अंदर ऐसा कह रहा था। ऐसा क्या? हाँ, तो मैंने क्या कहा, हाँ, मेरे मालिक, मेरे साहब, मेरी जान को, मेरे देवता को के स्वामी कहकर कोई नहीं पुकारता, सम्मान के साथ मिस्टर स्वामी ही कहकर पुकारते हैं। तुम आफ्टर ऑल एक नौकर हो, तुम उन्हें ये वो कहते हो, ऐसा मैंने बोला तो उसने मुझे कुत्ते की तरह मारा, बहुत खून बहा, आधा खून पहुँच कर अपने माथे पर लगाकर जैसे कि मैंने उसे नीचे धकेल दिया जिस कारण उसका माथा फट गया, ऐसा नाटक कर रहा है, खुद ही देखिएगा, वो चीखते हुए पुकारते हुए अभी अंदर आएगा। हाँ अरे मालिक, वो देखिए मालिक बहुत खून बह रहा है। अबे चुप कर, तुम्हारे माथे से खून कैसे बहा मैं सब जानता हूँ, बाहर निकलो यहाँ से, अभी मैं तुम्हें अपनी पार्टी से बाहर करता हूँ, चलो जाओ। फूटरे के स्वामी, अबे तूने ही तो खुद मुझे पार्टी से निकाला, तो मैं तेरा सम्मान कैसे करूंगा। फूटरे मालिक आया बड़ा है, अब नाच क्यों रहे हो? वो तो चला गया। चलो वो कुत्ता तो गया, चलो बैठो। फूल वो खाने पीले का क्या हुआ? 5 करोड़ एक ही वक्त से मैं रखकर लाए हो, तो ऐसा करो शक्कर वाला लाइसेंस उसी को दे दो, ठीक है ना? तो फिर उस बात का क्या हुआ? फिर वो उस बात का क्या हुआ, वो पार्टी है ना, वो सेक्स सॉस के साथ आई है। क्या बोल रहे हो, सेक्स इज नाइस, ये मंत्री पोस्ट गवर्नमेंट जनता सब एक साइड में। मालिक सुपर ड्रेस पहने हैं, देखने से मंत्री नहीं कॉलेज के स्टूडेंट समान देखते हैं। मूर्ख, मंत्री बनने पर धोती कुर्ता पहनना जरूरी है क्या? यमुना नदी में सब चड्डी पहन कर नहाते हैं, मंत्री हूँ तो हमेशा धोती कुर्ता पहनू, विदेश जाता हूँ तो कोट सूट पहन कर जाता हूँ, ऐसी रंगीन जगह के लिए रंगीन कपड़े पहनता हूँ। अच्छा बात मत बना, बता छोकरी कहाँ है? आ गई है। कमसीन है ना? कमसीन ही है, किसी ने छुआ तक नहीं है, पिछले महीने ही 14 साल की हुई है। लेकिन कमसीन है ना? नहीं नहीं उधर देखिए। फिगर तो सुपर है पर उम्र ज्यादा लगती है, शी इज नॉट 14। आपको समझ में नहीं आ रहा है, छोटी उंगली को टाइट कीजिए। वेट फूल, सच में ये कच्ची गली है ना? मालिक आप खुद ही छूकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। बापरे, मुझे शर्म आती है। अरे ये तो 440 वोल्ट है। आपने सुना नहीं उसने कहा कि उसे शर्म आ रही है?